केजीएफ का ट्रू फाइटर? क्या यश की बीस्ट के मेकर से हुई पक्की दोस्ती? दोस्तों केजीएफ का चैप्टर 2 जल्द ही 14 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। ऑडियंस ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि क्या इस बार चैप्टर 2 में रॉकी भाई की जीत हो पाएगी या नहीं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की स्टोरी लाइंस में जहां बड़ा डिफरेंस तो है ही, वहीं साथ में इस बार चैप्टर 2 में कई सारे न्यू कैरेक्टर्स का भी एडिशन हुआ है और इन सभी कैरेक्टर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट है संजय दत्त का किरदार। वेल हेलो दोस्तों, पॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करने वाले हैं 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। हालांकि दत्त साहब के कैरेक्टर से जुड़ी कोई ज्यादा डिटेल्स अभी तक रिवील नहीं की गई हैं और उनका असली रूप फिल्म के रिलीज होने पर ही पता लगेगा, लेकिन अभी तक जितने भी पोस्टर्स और वीडियोस रिलीज हुई हैं उनसे इतना तो पता लग गया है कि भाई साहब संजय दत्त का किरदार किसी भी तरह से रॉकी भाई से कम नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं रॉकी भाई से भी ज्यादा खतरनाक लेवल का है और ये बात खुद यश ने भी एक्सेप्ट की है। जी हाँ दोस्तों, रविवार को ऑर्गेनाइज हुए केजीएफ चैप्टर 2 के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट में यश ने अपनी धमाकेदार स्पीच में बोला कि संजय दत्त एक कमाल के एक्टर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में हम सभी से ज्यादा स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस किए हैं और इसीलिए वो अपना रास्ता बनाना जानते हैं। अपने एक्शन सीक्वेंसेस के द्वारा उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 को एक अलग लेवल तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके लिए केजीएफ 2 हमेशा उनकी आभारी रहेगी। आगे जब यश और उनकी टीम से केजीएफ चैप्टर 2 और बीस्ट के बीच होने वाली बड़ी क्लैश के बारे में पूछा गया तो यश ने इससे प्यार से जवाब देते हुए कहा कि दोनों ही मूवीज का कंपैरिजन करना काफी गलत है। वो बोले कि जब दो मूवीज साथ में रिलीज होती हैं, देन इट हैज टू बी केजीएफ 2 एंड बीस्ट, नॉट केजीएफ 2 वर्सेस बीस्ट। उनका कहना है कि दोनों ही मूवीज की अपनी अपनी खूबियां और अपनी अपनी कमियां होंगी और दोनों ही अपने लेवल पे एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली हैं, इसलिए दोनों फिल्मों को कंपेयर करना बहुत गलत है। Well, दोस्तों कहीं ना कहीं यश की बात से हम सभी अग्री तो करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब दो मूवीज एक साथ रिलीज होती हैं और दो फिल्म मेकर्स चाहे कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मूवीज की वजह से उनके बीच में एक लेवल ऑफ कंपटीशन तो आ ही जाता है। Well, दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार के कॉम्पिटिशन में किसकी जीत होगी, बीस्ट या फिर केजीएफ चैप्टर 2? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।